Welcome friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we have Sharmaji and Gaurav ji with me, and we'll be discussing about a very important question which is unanswered for the scientist and for the spiritual masters also to some extent. And the question is, why do we dream? You know, I mean, scientists, they are not able to find any reason, or, you know, if there are multiple reasons, whatsoever is the case, for the dream. Why do we dream? What is the real cause or root cause of this state of dream or dreaming state? If we talk from the perspective of spiritualism, then we find in many scriptures the three states of consciousness. There are three states of consciousness. One is the waking up state or waking state, which is also called Jagrit in Hindi, and the state of dreaming or dreaming state, which is Sopnavastha, and the deep sleep, which is Sushupti. Now, out of these three states, we will try to explore deeply into the state of dream. What is this dream state of consciousness? Sharma ji or Gaurav ji? Ji. Dream ke baare mein bataiye ki dream yogic science ke perspective se jo swapna avastha hai, jo chetna ki ek avastha kahi gayi hai, theek hai? To wo kya hai actually? जब योगिक साइंस और योगिक आध्यात्मिक विज्ञान में जब स्वप्न की अवस्था के विषय में हम विचार नहीं करते हैं, मगर उसकी स्थिति स्पष्ट करते हैं कि जब हम हमारी जो चेतना है, चेतना में सभी प्रकार के शरीर होते हैं, सभी प्रकार के साकार होते हैं, सभी प्रकार के निराकार होते हैं। हमने काफ़ी लंबे सफ़र को किया होता है, तो चेतना की ये सारी सफ़र है जिसमें आकार भी होते हैं, साकार भी होते हैं, निराकार भी होते हैं। तो इनके अदलने बदलने की जो प्रक्रिया जो है चेतना में होती है। अब ये चेतना में इस टाइप की, अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है, तो उसमें चित्त मन है, बुद्धि है, चित्त की वृत्ति है, उसकी स्मृति है। तो ये जो चित्त की वृत्ति के ऊपर जब हम अहंकार को लेकर के हम बात करते हैं कि अहंकार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए अहंकार के आधार पर जब हम चित्त की वृत्ति में मन और बुद्धि, जो हम चेतन के माध्यम से, चेतना के माध्यम से जब हम इस पर उस स्मृति में, पूर्व स्मृति में जाते हैं, तो हम वृत्ति हमारा उसी तरीके के हमारे इस ब्रह्मांड में जो हमने चलने की हमारी प्रक्रिया है, वो तेज भी है और गतिमान भी है और धीरे भी होती है। तो कई ऐसे जीवन होते हैं जहां हम धीमी गति में जीते हैं, और कई ऐसे जीवन होते हैं जहां हम तेज गति में जीते हैं। लंबी आयु होती, छोटी आयु होती है। तो इसलिए जो नाना प्रकार की हमें जो स्थिति हमारी होती है, जब हम स्वप्न को देखते हैं, तो स्वप्न की स्थिति में ये चीज हमारी चित्त की वृत्ति में कभी तेज गति में आती है, कभी धीरे गति में आती है। तो स्वप्न की स्थिति संबंध और संस्कार के आधार पर ब्रह्मांड में उसी हिसाब से, उसी मेथड से ये चीज दिखाई देती है। तो स्वप्न में कुछ कहीं का भाग होता है और कुछ कहीं का भाग होता है, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। तो ये एक चीज हमारी जो पूर्व स्मृति जब रहती है, उस वक़्त ऐसी स्थिति में हम स्वप्न को देखते हैं अपनी निद्रा अवस्था में। जो हमारी शरीर की जो अवस्था है, वो हमारी एक निद्रा अवस्था है, हम उस हालत में देखते हैं। उसी तरीके से हम ये स्वप्न हमारे निद्रा अवस्था का एक अंग है, जिस तरीके से हम अपने जागृत अवस्था में, स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में हम किसी विचारों को अपने आदान प्रदान करते हैं या प्लानिंग करते हैं, ये उसी तरीके के सपने होते हैं। इसमें कुछ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो ये स्थिति हमारी स्वप्न की निद्रा अवस्था में जो है, स्वप्न इस तरीके से होता है। ये
ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जीव स्वप्न को देखता हो। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो स्वप्न नहीं देखते और सपनों की कल्पना भी नहीं करते, उनको ये भी पता नहीं चलता कि स्वप्न कोई चीज होती है। ऐसे हमारे संबंध में भी कई लोग हैं जो स्वप्न नहीं देखते। अच्छा, यदि ये पूछा जाए कि स्वप्न देखने का कारण यदि कोई पूछे तो बेसिक रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है स्वप्न देखने का? स्वप्न देखने का निद्रा अवस्था में ये कारण है कि जब पूर्व स्मृति की कहीं जो हमने संस्कार दिए होते हैं, संबंध के कारण जो संस्कार बने होते हैं, उनकी स्मृति हमारी निद्रा अवस्था में भी और जागृत अवस्था में भी रहती है, मगर जागृत अवस्था में हमारे प्रत्यक्ष जितनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं वो हम उन पर गहन अध्ययन करते हैं और ये अनायास ही आती हैं, ये स्वप्न अनायास ही आती हैं। ये हम स्वप्न देखने के लिए हम नहीं निद्रा लेते हैं, मगर हमारी निद्रा में ये स्वप्न अनायास आते हैं, इसलिए क्योंकि संबंध और संस्कार की स्मृति बनी हुई है, ये उसका कारण है। मतलब कि इसका कोई आधार नहीं है कि कौन सा स्वप्न, ठीक है, कहाँ से या किस समय का स्वप्न, किस समय की घटना कब आ जाएगी और किस स्वप्न में आएगा, ये कोई इसका कोई आधार नहीं, इसका इसका कोई ये तो प्रकृति की नियमित नहीं है। हाँ, उसकी एक अपनी मैथमेटिक्स है, अपना गणित होगा वो हमारी रनिंग है, ये अपना संयोग है उनका, उसका जीवन का हमारे जो हम लॉन्ग टाइम से शरीर एनर्जी जो है ना शरीर लेते आई है। मैं उसको दूसरे रूप में डिफाइन करूंगा कि स्वप्न है क्या। स्वप्न सूचना, हम ये सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन जिसको कहते हैं, वो भ्रूण काल से सक्रिय हो जाता है, उसके अंदर सूचनाएं संग्रहित होना शुरू हो जाता है। ये आज का विज्ञानी मानता है और हमारा प्राचीन विज्ञानी मानता है पहले से। जैसे अभिमन्यु के संबंध में जो कथा है कि उसने माँ के गर्भ में व्यूह तोड़ने का, चक्रव्यूह तोड़ने का जो सिद्धि थी, तरीका था वो सीख लिया अर्जुन से। तो क्या था कि भ्रूण अवस्था में मस्तिष्क हमारा कार्य करने लगता है और सूचनाएं संग्रहित, मगर ऐसा तो नॉर्मली तो दिखाई देता नहीं है ये, और आज का विज्ञान भी इसको मानता है। जो हमारे शोध हुए, जो आधुनिक विज्ञान ने जो शोध किए हैं, वो ये मानने के लिए तैयार हो चुके कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो जीव मस्तिष्क है, वो भ्रूण काल में सक्रिय हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल जो बच्चे होते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसमें अब स्वप्न पे आते हैं, सूचनाएं हमारी संग्रहित होना शुरू कर देती है। अब हमारा जो जिनको अब मन, हम ब्रेन को अपने समझते हैं, उसको तीन पार्ट में डिफाइन किया गया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड में सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं। हम पूरे समय, अगर दिन में जागृत अवस्था में भी हम विभिन्न कार्यों में संलग्न है, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड जिस उसके प्रभाव में जो भी सूचनाएं आ रही हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती जा रही है, भले से वो हमें उस समय दिखाई ना दी हो, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड के प्रभाव में जो भी सूचना आई सेव हो रही है, वो सेव हो रही है। ठीक, ऑन द टाइम हमें भले से महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो सेव हो रही है अनकॉन्शियस माइंड में, सारी सूचनाएं सेव हो रही है। इसको मैं आगे चल के और एक्सप्लेन करूंगा तो क्या क्या होता है। तो हमारी कुछ इच्छाएं, हम कुछ करना चाहते हैं वो भी, लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन वो सूचना रूप में स्थापित हो गई, अनकॉन्शियस अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर वो सेव हो गई अनकॉन्शियस माइंड। अब स्वप्न की बात क्या, स्वप्न क्या है? एक स्वप्न वो भी है जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर है, जो हम कार्य रूप में या दृष्ट रूप में उसको कर नहीं पाते, तो वो क्रियाएं हमारी स्वप्न रूप में होती हैं। जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो वो स्वप्न के रूप में वो डिजायर फुलफिल हो रही होती है, एक स्वप्न ये होता है। दूसरा स्वप्न जो भूतकाल में सूचनाएं
एकत्रित हो चुकी होती हैं वो स्वप्न रूप में आती हैं। और एक बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को लोगों ने अपने स्वप्न में पहले ही देख लिया। इसके पीछे भी यही कारण है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित जो भी ऊर्जा रूप जो सूचनाएं ऊर्जा रूप वो में तो, वो सूचना उसके पास थी नहीं, थी नहीं। लेकिन वो ऊर्जा रूप में ग्रहण कर ली, उस ब्रह्मांड में तो उपस्थित थी। हाँ। और वो ऊर्जा रूप में रिसीव करता है उसको, वो अनकॉन्शियस माइंड पे हिट किया और वो सूचना हमारी उसमें एकत्रित हो गई। जो हम निद्रा अवस्था में हुए वो सूचना, अभी जो आप ही बात कर रहे थे कैलकुलेशन, अपनी एक कैलकुलेशन कब कौन सा स्वप्न आएगा, वो एक वो हमारी प्रकृतिगत है उसको और रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मैटर नहीं है डिफाइन करने का, एक दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो वो जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं वो उस रूप में जो ऊर्जा रूप में ब्रह्मांड में स्थापित है वो एनर्जी हमारे अनकॉन्शियस माइंड को हिट करके वो सेव हो जाती है वो सूचना, और जब हम स्वप्न में जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं वो हमें पिक्चर रूप में स्वप्न रूप में प्रदर्शित। एक ओवरऑल डिजाइन है स्वप्न का। शर्मा जी कुछ और कहना है? हाँ बस कहना है कि आप जो है ना इस बारे में थोड़ा बता दो कि अंग्रेजी में। ओके व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड so far we can conclude that whatever is happening which is related to us or whatever happening in the whole cosmos, you can say, so these things are getting stored in our mind, okay, in the conscious mind, subconscious mind and unconscious mind. Ultimately all the informations are stored in the unconscious mind. Okay, now when we get to sleep, okay, then our physical body doesn't work, okay, doesn't work, okay, the way it works while waking up, right? So basically our, you can say, our subtle body starts working, okay, and due to the activity of the subtle body, the stored data, okay, they come into the picture and it is seen as the dreams. Okay, so basically this is the activity of the subtle body, okay, and which fetch the information from the unconsciousness to the subconscious. So basically in the deep sleep the unconscious basically is related, okay, from the subtle body subconscious is related and from the waking body conscious mind is related. So in this way we can understand the phenomena of dream, okay, from the subconscious mind and the subtle body. So until data are there, we will keep on seeing these dreams, okay, and dreams are, as the Gauravji has said, okay, dreams are basically the unfulfilled desire, or it may also be the fact that some stored data can come up, okay, in front of us and which is seen as the dreams. Now in the coming episodes we will talk more about dreams in more details and you can say in the more complex form. Thank you. Oh, what a future of